मित्रों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है और सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा था और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उसके बाद भी उनके शरीर का एक अंग जीवित था। मित्रों, हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक आज भी भगवान कृष्ण का एक अंग जीवित है, जिसे एक मंदिर की मूर्ति में सुरक्षित रखा गया है। तो आखिर श्री कृष्ण का वो कौन सा अंग है और उसे कहाँ रखा गया है, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब ये उनका मानव रूप था और इस सृष्टि के नियम के अनुसार हर मनुष्य की ही तरह भगवान विष्णु के इस रूप की मृत्यु भी निश्चित थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हारा और तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। और मित्रों, युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद ही गांधारी के इस श्राप का असर दिखने लगा। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए और एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मौत हो गई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वारिका को छोड़ दिया और वो एक दिन पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे, तभी जरा नाम का बहेलिया हिरण का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जरा ने कृष्ण के पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया और वो तीर भगवान कृष्ण के पैर पर जा लगा। जैसे ही बहेलिये को अपनी इस गलती का एहसास हुआ, वो भगवान के पास पहुंचा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। जरा को क्या पता था कि उसके हाथों भगवान कृष्ण के पैर पर तीर लगना स्वयं भगवान की ही लीला का हिस्सा था। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि उन्हें इसी तरह धरती त्यागनी है। भगवान ने बताया कि त्रेता युग में श्री राम के अवतार में सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था और वो पिछले जन्म की ही सजा उन्हें इस जन्म में मिली है और जरा ही पिछले जन्म में बाली था। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। मान्यता के अनुसार भगवान के शरीर त्यागने के बाद अर्जुन और बलराम ने उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय था जो वैसे ही धड़कता रहा। और इस दृश्य को देखने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का हृदय है और इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित है, जहाँ ये मूर्ति के अंदर विराजमान है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। मित्रों, जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है, जिसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के हृदय को बदलते हैं और जो पुजारी ये कार्य करता है उसकी आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार जो भी इस हृदय को देख लेता है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस रस्म को करने वाले पुजारियों का कहना है कि जब वो हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं, तो उस समय उनके हृदय के धड़कने का एहसास होता है और जब वो इसे अपने हाथों में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई छोटा सा खरगोश उनके हाथों में खेल रहा हो। तो मित्रों, आप में से कितने लोग जगन्नाथ मंदिर और भगवान कृष्ण के हृदय के इस रहस्य के बारे में जानते थे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर नहीं जानते थे तो इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें, ताकि भगवान कृष्ण की इस लीला से वो भी परिचित हो सकें। साथ ही ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।